हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से गाढ़ा और अच्छा दही जमा सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अच्छी और गाढ़ी दही को जमाने के लिए सबसे पहले तो फुल फैट मिल्क का यूज़ करें। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि सुबह दूध को उबाल लिया जाता है, फिर उसे यूज़ करते हैं, फिर उसे दिन में दो बार करीब और उबाल लिया जाता है। तो इससे रात के समय तक जो बचा हुआ दूध होता है उससे दही जमाते हैं। तो दो तीन बार गर्म होने से दूध और गाढ़ा हो जाता है, जिसकी दही बहुत अच्छी जमती है। और जो लोग दूध को अपने ज़रूरत के हिसाब से गर्म करके यूज़ करते हैं, वो अगर दही जमाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि उसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से उबाल लें, जिससे कि वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, फिर उसकी दही जमाएं। तो इस तरह से गाढ़े दूध की दही बहुत अच्छे से जमती है। तो यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है, ये जो बचा हुआ दूध है वो है, तो काफ़ी गाढ़ा है ये। तो इसमें मैं 1 चम्मच दही का डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये स्टार्टर के तौर पर काम करता है। और दूध को हल्का गरम ज़रूर रखें, अगर ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा सा ज़्यादा गरम रखें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गरम दूध की ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में अगर दूध ज़्यादा गरम हो तो ऐसी दही बहुत खट्टी जमती है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। अब इस बोल को मैं ऐसी जगह पर रख दूँगी जहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि दही अच्छे से जमे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 3 से 4 घंटे बाद कितनी अच्छी दही जमी है, इसमें से पानी भी अलग नहीं हुआ है। तो अब इसे थोड़ा सा फ्रिज में रख दूंगी करीब 1 घंटे के लिए, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको ठंडी दही नहीं पसंद है, आप नहीं खाना पसंद करते हैं ठंडी, तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। आप इस दही को यूज़ करके बहुत सारे दूसरे रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि दूसरे डिशेस को भी बनाने में दही के टेस्ट का और उसके टेक्सचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अच्छी दही जमाएं, अच्छे अच्छे डिशेस बनाएं। हमारा यहाँ पर दही बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह के और भी बहुत सारे टिप्स के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे।